नमस्कार, मैं स्वामीकांत और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज। अभी हम आए हुए हैं अयोध्या और अयोध्या पिछले कई दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है, राम जन्मभूमि को लेकर राजनीति के केंद्र में रहा है। यदि आप भी अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर है, और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं यहाँ पर से राम जन्मभूमि पथ प्रारंभ होता है। यह राम जन्मभूमि पथ यहां से प्रारंभ होकर राम मंदिर की ओर जाता है। राम जन्मभूमि पथ की लंबाई 500 मीटर है, और अभी हम राम अयोध्या में अयोध्या रेलवे स्टेशन और राम जन्मभूमि से के बीचों बीच हैं। तो चलिए हम आपको राम जन्मभूमि के पथ से होते हुए राम मंदिर की ओर चलते हैं, और तमाम सुविधा आपको बताते हैं जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से राम भक्तों को उपलब्ध करवाई गई है। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं वहाँ पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी 500 मीटर। अभी हम आ चुके हैं राम जन्मभूमि पथ के बीचों बीच, और जहाँ तक आपके पीछे हमारे बैकग्राउंड में निगाहें जा रही होगी ये पूरा राम जन्मभूमि पथ है। तो चलिए राम जन्मभूमि पथ से होते हुए राम मंदिर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और वो तमाम सुविधा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है राम भक्तों को, वो तमाम सुविधा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। तो राम जन्मभूमि पर चलने के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग राम जन्मभूमि पथ पर चलना प्रारंभ कर दिए, और जैसे ही आप राम जन्मभूमि पथ पर जाइएगा तो ये देखिए ये स्टार्टिंग में शुरुआत में ही लिखा हुआ रहेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग दूरी 500 मीटर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वे टू श्री राम जन्मभूमि मंदिर डिस्टेंस 500 मीटर। यहाँ पर राम मंदिर के स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, और चलिए हम आपको बताते हैं जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो इस तरह की सुविधाएं आप राम भक्तों को दी गई है। फ्री होम्योपैथिक क्लिनिक, दान काउंटर, हेल्प काउंटर फॉर डिवोटीज ऑफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इसी प्रकार की तमाम वो सुविधा राम भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई गई है जो जरूरी है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जब से देखें, यदि आप सामान लेके आते हैं तो फ्री लॉकर की व्यवस्था भी की गई है राम भक्तों के लिए। आइए आप अपना सामान यहाँ पे रखिए, क्योंकि मंदिर के परिसर के अंदर सामान ले जाना, लैगेज ले जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए राम भूमि जन्मभूमि की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि पथ पर जैसे ही आप कुछ दूर आगे बढ़िएगा सुग्रीव किला आपको नजर आएगा, जो हम आपको बैकग्राउंड में दिखाते हैं। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं, राम जन्मभूमि पथ इसके जस्ट बगल में ही सुग्रीव किला अयोध्या लिखा हुआ, ऊपर में देखिए सुग्रीव जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और ऊपर में देखिए हनुमान, शायद हनुमान जी कंधे पे लिए हुए राम लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है, सुग्रीव किला अयोध्या। तो चलिए फिर से हम चलते हैं राम जन्मभूमि पथ पर। जब से राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन घोषित किया गया है, तब से अयोध्या में तमाम भारत के राज्यों से भक्तगण आ रहे हैं, और अयोध्या में राम मंदिर को देखने के लिए भक्तों का भीड़ उमड़ता पड़ा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी कतार है, जो दर्शाती है कि राम प्रभु राम के प्रति भक्तों का कितनी श्रद्धा है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और कितने लोग आए हुए हैं। ये राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों का लाइन लगा हुआ है मंदिर दर्शन के लिए है। हालांकि आपको फिर से बता दें, राम जन्मभूमि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में 23 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से 11:30 बजे। कहाँ से आए आप लोग? कानपुर। कानपुर, आप लोग कानपुर से? ठीक। कहाँ से आए आप लोग? पटना। पटना बिहार से राम मंदिर देखने के लिए? चले सही है। होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में भक्तों का क्या हाल होगा जब प्राण प्रतिष्ठा के पहले मंदिर के निर्माण के पूर्ण निर्माण से पहले ही अयोध्या में इतना भीड़ हो रहा है।
तो फिर सोचिए मंदिर जब बन जाने के बाद अयोध्या में भक्तों का कितना भीड़ लग जाएगा, कितना हुजूम उमड़ पड़ेगा, ऐसे आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मंदिर दर्शन करता हूँ।